नमस्कार किसान साथियों, मैं राहुल उपाध्याय ग्राम मोहनवा केशवपुर चिरवी पोस्ट हरदोइया जिला अयोध्या फैजाबाद से बोल रहा हूँ। आइए हम दिखाते हैं परवल की खेती किस तरीके से की जाती है। ये रहा हमारा परवल का पौधा, ये देखिए किसान साथियों, हमने इसकी रोपाई अक्टूबर महीने में की थी। ये हमारा परवल का पौधा है, देख सकते हैं इसमें कितना बेहतरीन फल आया है, नौधारियों का फल है यू। और इसी के बीच बीच में हमने देखिए मिर्चे की खेती भी लगाई है, मिर्चे का पौधा भी लगाया है और हम इसमें टमाटर भी लगाए थे और बैंगन भी लगाए हैं। उस तरफ हमने बैंगन लगाया है, बीच बीच में हमने इसमें मिर्चे भी लगाए हैं, टमाटर लगाया था, टमाटर अधिक से अधिक बेनिफिट देकर गया। और किसान साथियों, हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले आप करिएगा, जब भी आप पौधा तैयार करें उसके बाद पौधा जब खेत में लग जाए, जब आप खूंटे गाड़िए इस तरीके से, ये देखिए जब खूंटे गाड़ें तो इस पर पहली झाल जब चढ़ाए तो पहली डोर यूँ लगाएं, ये लगाएं, उसके बाद आप इसमें दूसरी जब डाल लगाएं, यह दूसरा तार जब बांधें तो इसमें आप पहले खड़ी झालर लगा दें। ये देखिए खड़ी झालर लगाने के बाद जब पौधा खड़ी झालर पे चढ़ जाएगा उसके बाद हम बेड़ झालर लगाएंगे। बेड़ झालर पर चढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि पौधा किस तरीके से अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। जब पौधा अधिक मात्रा में बढ़े तब क्या करना है किसान साथियों, हम बताएंगे। जब यह देखिए फल, ये नौधारियों का बेड़ फल है, देखिए एक एक गांठों पे दो दो फल निकले हुए हैं, ये देखिए किस तरीके से फल फूल ले रहे हैं। हाँ तो किसान साथियों, हम बता रहे थे जब आपका पौधा अधिक मात्रा में बढ़ने लगे और उसमें फूल या फल ना आए तो ये जो टहनियाँ होती हैं, ये ऊपरी सिरा होता है, इसे आप खुरपे की सहायता से या चक्कू की सहायता से इसको कट कर दीजिए। जब आप इसमें कट करेंगे तो किसी न किसी गांठों से इसमें कल्ले निकल आएंगे, जब नया कल्ला निकलेगा तब उस पर फल बेहतरीन आएंगे। और हम बताना चाहेंगे कि ये जो फल है, अगर फल नहीं रुक रहा है या फूल नहीं रुक रहा है, आपके पौधे में कीट लगे हुए हैं, तब हम बताना चाहेंगे किसान साथियों कि अगर कीट लगा है, कीट अधिकतर इसमें सूढ़ी लगती है, इस फुनगियों पे लगती है, काले रंग की धब्बे रंग की हो जाती है, काले धब्बे हो जाते हैं इस पर, तब आप इसमें एडमायर नाम की दवा जो आती है 30 से 35 रुपए में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, 30 से 35 रुपए में आप उसका छिड़काव, हम दिखाना चाहेंगे किसान साथियों, कैमरामैन को बुलाना चाहेंगे, कैमरामैन जी यहाँ दिखाइए, इस तरीके से इसमें आपकी फुनगी जो होती है वो टेढ़ी हो जाएगी। जब इस तरीके से फुनगी कहीं आपको दिखे तो आप इसे इस तरीके से नज़रअंदाज ना करें, इसमें लाकर एडमायर नाम की जो दवा आती है उसका छिड़काव करें। अगर आपके पौधे में फल फूल नहीं रुक रहे हैं या फल नहीं रुक रहे हैं तब उसके लिए आप चमत्कार नाम की दवा या तो एक 24 कैरेट नाम की 90 से 100 रुपए के रूपए में मार्केट में अवेलेबल है, वो दवा लाकर आप पर टंकी के हिसाब से 20 से 25 ml या 30 ml का घोल बनाकर 15 लीटर की टंकी में आप इसको पौधे पर पूरी तरीके से छिड़काव करा दें। और हम दिखाना चाहेंगे किसान साथियों कि बगल में आइए कैमरामैन जी, हम दिखाना चाहेंगे कि हम इसमें और भी क्या क्या खेती किए हैं। ये देखे हमने इसमें गेंदे का फूल भी लगाया है। फूल लगाने से ये होता है किसान साथियों कि इसमें परागण सर्वाधिक होता है, जब सर्वाधिक परागण होगा तब पौधों में फल देखिए इस तरीके से आएंगे। कोई ऐसी गांठ नहीं है किसान साथियों कि जिसमें फूल या फल नहीं आए हैं। और किसान साथियों, अगर आपके खेत में या कहीं पौधा नहीं उगा है तब भी आप इसमें वो जगह खाली ना जाने पाए, तब किसान साथियों आप इसमें ये देखिए हम बीच बीच में भिंडी भी लगाए हैं, ये देखिए इसमें हम परवल के साथ साथ
तीन से चार खेती कर चुके हैं और खेती कर भी रहे हैं। इसमें परवल भी है, फूल भी है, बैंगन भी लगाए हैं और मिर्च भी लगाए हैं और इसमें भिंडी भी हम लगाए हैं। और दिखाना चाहेंगे किसान साथियों कि अगर आपका कहीं कहीं पौधा नहीं उगा या उगने के बाद सूख गया किसी तरीके से, इसमें आप परवल का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं, तो उसी के स्थान पर ये देखिए कैमरामैन जी, ये देखिए हम इसी में लोबिया लगा दिए हैं। जब लोबिया होगा तो उसके बाद लोबिया का भी बेनिफिट मिलेगा हमें, इसमें परवल का भी बेनिफिट मिलेगा और गेंदे का फूल भी मिलेगा। हम देखना चाहेंगे किसान साथियों, दिखाना चाहेंगे कि जब भी आप इसमें परवल लगाएं, कहीं भी लगाएं, परवल का पौधा लगाएं, तब ये देखिए कि एक खेती नहीं करनी चाहिए, मिश्रित खेती करनी चाहिए। मिश्रित खेती करने से यह लाभ होता है कि जब आप मिश्रित खेती करेंगे तब इसमें कोई ना कोई तरीके से आप में परागण होता रहेगा। जैसे कि हमने किया है, तीन से चार फसल ली है एक पौधे में, तो देखिए किस तरीके से फल आ रहा है। देखिए हर गांठों पे फल है, हर गांठों पे फल होने का कारण यही है किसान साथियों कि इसमें हमने तीन से चार प्रकार की खेती की है। फूल से परागण हो रहा है, पौधे से भी, मतलब भिंडी से भी परागण हो रहा है, मिर्च से भी परागण हो रहा है। इस तरीके से जितना परागण होगा उसी तरीके से इसमें पौधे में फूल फल अधिक आएंगे। अगर फूल फल अधिक आएंगे किसान साथियों तो अच्छी से अच्छी बेनिफिट मिलेगी। अगर आपको पौधा कहीं से नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9616609007। हम फिर बताना चाहें किसान साथियों, हमारा मोबाइल नंबर है 9616609007 पर आप संपर्क करके पौधा अवेलेबल कर सकते हैं। हमारे पास जो पौधा आपको मिलेगा वो 216 है, सफ़ेद वराइटी है। हमने जितनी भी खेती की है परवल की, हमारी सारी वराइटी हाइब्रिड वराइटी हैं। नरेंद्र यूनिवर्सिटी से भारत सरकार द्वारा इसे हाइब्रिड वराइटी का मान्यता प्राप्त हुई है। ये देखिए, अगर आपको परवल की खेती करनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बुकिंग भी कर सकते हैं। धन्यवाद किसान।